पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद शहर के मुगलपुरा थाना क्षेत्र में आज दोपहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब दो दोस्तों की संगीन परिस्थितियों में दवा पीने से मौत हो गई। हत्या के बाद से दोनों परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं जिस मेडिकल स्टोर से जो दवा लेकर पी थी उसे भारी मात्रा में जब्त किया गया। गलशाही थाना क्षेत्र के लाजपत नगर गली नंबर 1 निवासी मोहम्मद शरीफ उर्फ बबलू पेंटर का काम करता था। हाथीवाले मंदिर के पास रहने वाले भरत रस्तोगी पुत्र ब्रजपाल रस्तोगी से उसकी दोस्ती थी। बबलू की पत्नी महराज बी ने बताया कि गुरुवार को सुबह करीब 9:30 बजे उसका पति घर से 1,000 रुपए लेकर निकले थे। बबलू का कहना था कि वह कुछ सामान लेने जा रहा है, एक जगह काम लगाना है। रास्ते में उन्हें भरत रस्तोगी मिल गया और कहने लगा कि बबलू चलो तुम्हें एक काम दिखाना है। दोनों ने बबलू के घर के पास ही बैठकर अशोक का दवा पी ली और बेसुध होकर गिर पड़े। सूचना मिलने पर भरत के भाई शिवा रस्तोगी पहले स्थानीय डॉक्टर को दिखाया, लेकिन हालत देख उसने इलाज के लिए इनकार कर दिया, जिस पर दोनों को जिला अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टर ने दोनों को मृतक घोषित कर दिया। शुरुआती जानकारी में आया कि दोनों ने स्थानीय स्तर पर नशे के रूप में इस्तेमाल होने वाला ऑर्जेनिया टिंचर पिया है। ये डॉक्टरों की सलाह पर महिलाओं को दिया जाता है कि नशेड़ी इसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस कारण आज दोनों को अपनी जान गंवानी पड़ी। पुलिस ने जिस तरह ये दवाई खरीदी गई थी वहीं से भारी मात्रा में से ये केमिकल जब्त किया है। सीओ कड़गर सुदेश गुप्ता ने बताया कि आगे की कार्यवाही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी। महराज भी नाम है। महराज जी क्या हुआ था बताइएगा। सुबह अच्छा खासा 9 बजे बोले मुझसे चाय बना, मैं चाय बना दिए। मुझसे बोले 1,000 रुपए दे दो आप। मैंने 1,000 रुपए निकाल के दिए। इतने में जो साथ में लड़का आया हुआ ये बुला के ले आया। क्या नाम है इसका? इसका नाम तो नहीं जानती मैं। भारत। और ये बुला के लेके आया एकदम। और ला के मुझे खबर पता चली ये वहाँ पे पड़े हुए हाथ वाले मंदिर पे। शराब पीते थे? हाँ शराब पी रही थी इन्होंने। उन्होंने पिलाई सुबह खाया पेट पे। मुझसे बोले पराठे बना दो यार, मैं अच्छा बना के दे रही हूँ। बोले माल रखे हूँ गली में जाके। क्या करते हैं? खुदाई का काम करते थे, पेंटर थे। और नशा भी करते थे? नशा कम करा गए थे, इतना नहीं करा गए थे। अच्छा, दारू पी थी इन लोगों ने? आज कच्ची वाली पिलाई थी इन्होंने। कहाँ रहते हैं आप लोग? क्या रहते हैं हम, क्या कहें, सियालकोट पे। लगभग 10 बजे तो 10 बजे जब हम माल डाल के आए थे तो मैं भैया से कही मैंने चलो ऊपर चल रहे हैं घूमने ऐसे याद करने पे। मैं भाई उनसे मालिक से कही मैंने ऐसा कल को काम करेंगे हम। तो हम जब आए थे तो ये वो लाए थे श्री गुल कहते हैं अशोका, अशोका ला के तो इन्होंने पी दोनों ने। दोनों है अशोका ये पता नहीं हमें अद्धा ना होता बिल्कुल। जब प्रेगनेंसी में काम आता है क्या होता है वो अशोका दारू में चलता है ये पियो हुए थे। इन्होंने आधी आधी पी है, आधी आधी पीने के साथ एकदम बाहर आकर एक पहले बाबू भाई गिर गए उसका छोड़ा लग गया, दोनों हाथ का खत्म हो गए थे ये। हाँ तो क्या क्या है ये अशोका, क्या है ये पता नहीं। कोई होता है क्या नशा होता है? नशे की होगा कुछ ना कुछ। ये रोड डेली जो छोड़ा रहा था वो रोड डेली यही रुकुल। तो ये कहाँ बिकती है? ये वहाँ पे क्या मैं कमर की पुलिया पे क्या कोई लेते हैं ये पता नहीं। नहीं ये अशोका क्या गर्भवती महिलाएं पीती हैं जो प्रेगनेंसी आती है उसके लिए होता है, मैंने ये सुना है। अच्छा यही चीज है। आपने मौके पे क्या पड़ा देखा? हमने देखा कि ये दोनों बेहोश हो गए थे एकदम। हमने उठा के अंदर करा, पंखा चलाया, थोड़ी देर रेंट दिया, फिर एक डॉक्टर को बुलाया नीचे से। डॉक्टर ने बोला भाई ऐसा है हमारे बस्ती नहीं है, सिविल लाइन ले आओ। यहाँ आकर देखा इन्होंने मेरे दोस्त कर दिया बिल्कुल। कितने लोग थे? हम मैं भैया और ये और भाभी। कितने लोग? मैं दो लोग और एक बबलू भाई। क्या करते हैं ये दोनों? पेंट आ रही हैं। कितनी उम्र होगी दोनों की? एक की 36 है, इनकी बबलू भाई कितनी है? 40। इनकी 40 बताए।